नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बहरूड उपखंड के भगवाड़ी गांव में 10 दिन पहले बदमाशों के द्वारा अपने साथी की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को बीकानेर से गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी प्रेम प्रकाश ने बताया कि करीब 10 दिन पहले बहरूड के भगवाड़ी से फोन के जरिए सूचना मिली कि गांव के शमशान भूमि में युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। मामले की सूचना लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पता चला कि जिस युवक की हत्या की गई है वो गांव का ही रहने वाला है और घटना वाली रात को ही मृतक मनदीप के 3 दोस्त उसको घर से बुला कर ले गए थे। मृतक मनदीप के परिजनों के द्वारा नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने स्पेशल टीम गठित कर 10 दिन में कई जिलों में बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश दी, जिसके बाद तीनों बदमाशों की बीकानेर में होने की जानकारी मिली। भिवाड़ी पुलिस की डीएसटी द्वितीय की टीम ने कार्रवाई करते हुए बदमाश महेंद्र उर्फ टाइगर निवासी निभोर पहरोड, जयंत सिंह निवासी भगवाड़ी और नवीन कुमार को बीकानेर से दंतोड़ से गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए बदमाशों के पास से 4 अवैध हथियार भी बरामद किए गए। पुलिस ने सभी तीनों बदमाशों को अलग अलग धाराओं में गिरफ्तार किया है। साथ ही बदमाशों को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड पर लगी ताकि अन्य मामले खुल सके। मृतक मनदीप व पकड़े गए तीनों बदमाश एक ही ग्रुप के थे, जिन पर अलग अलग थानों में मामले दर्ज है। घटना से पहले इन बदमाशों ने अपने बदमाश भीम सिंह को भी घर से बाहर बुलाकर उसको गोली मार दी, जिसका जयपुर में इलाज चल रहा है। कार्रवाई में डीएसटी द्वितीय के कांस्टेबल सतपाल व राकेश कुमार की अहम भूमिका रही, जिन्होंने अलग अलग भेष बदल कर आरोपियों को पकड़ा है। क्या मामला था पूरा, किन किन लोगों को पकड़ा है? जी, ये घटनाक्रम शुरू होता है जेल से। जेल में पपला कांड में एक विनोद स्वामी नाम का जो इसने पपला को भगाया था वो बंद था। इस दौरान एक घटनाक्रम यहाँ बिजुरावास में एक और हुआ था, जिसमें मारपीट के मामले और लेन देन के मामले में भीम और अंकित जोर जेल में बंद हुए थे। उस दौरान विनोद स्वामी की इनसे खुशी महेंद्र टाइगर को मारने के लिए इनकी बात हुई थी। जब महेंद्र टाइगर जेल से छूट के आया तब ये अंकित जोर द्वारा इससे संपर्क किया गया। उस संपर्क में ये बताया गया विनोद स्वामी ने तेरे की सुपारी दे रखी है, जिस संबंध में इसने रंजिश रखते हुए दिनांक 26 को गोलावास गांव में भीम के ऊपर फायरिंग की थी, जिससे जान पे लगकर जिसका प्रकरण अलग से दर्ज है। तत्पश्चात इसी घटनाक्रम में जयंत नाम का जो भगवाड़ी निवासी है वो शामिल था। उस जयंत ने कहा था कि मेरे पिताजी के इस मनदीप ने एक थप्पड़ मारी थी कुछ दिनों पूर्व, थप्पड़ मारी और मारपीट की थी, तो आपका मैंने ये काम करा दिया, ये काम मेरा कर बना, जिसकी आवाज़ में 27 तारीख को भगवाड़ी शमशान घाट में मनदीप नाम के व्यक्ति को दो सर में गोली मारकर हत्या की गई थी। इस समस्त कार्रवाई में थाना आजा के मुलाजमानों और भिवाड़ी के डीएसटी टीम के जवानों द्वारा काफ़ी प्रयास करते हुए 700 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए झुंझुनू बीकानेर वगैरह वगैरह इन मुलजमानों को मुखबिरी फुटेज से और आसूचना संकलन के आधार पर और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के आधार पर ट्रेस किया और ट्रेस करके कठिन परिश्रम से इनको दस्तयाब किया दांतोर से। इन सभी मुलजिमानों से, जिसमें घटना में 3 व्यक्ति शामिल है, एक जयंत भगवाड़ी, एक महेंद्र और टाइगर और एक नवीन, इन तीनों से घटना में जो हत्या में जो प्रयुक्त हुए थे वो देसी कट्टे बरामद हुए हैं और उनके अलावा 2 पिस्टल और 3 मैगजीन बरामद हुई है। पिस्टल के 2 कारतूस भी बरामद हुए हैं। इन्हीं की सूचना के आधार पर 2 व्यक्तियों के पास कट्टे होने की सूचना इनके द्वारा दी गई थी, जिस पर 2 व्यक्तियों के आर्म्स एक्ट के पृथक से प्रकरण दर्ज किए गए हैं और 2 कट्टे पृथक से बरामद किए गए हैं। अनिवार्यता तो खुलासा किया कैसर को, इसमें गोलावास की घटना और भगवाड़ी की घटना है, इसके अलावा पूछताछ जारी है, अन्य कोई वारदात बताएं। सर, ये पहले एक ही गैंग के सदस्य थे, विनोद स्वामी के चेले रहे हैं ये। जी, तो पुरानी रंजिश थी जिस तरह के विनोद स्वामी भतीजे को भगा कर ले गए, किस तरह पुराने क्योंकि विनोद स्वामी के भतीजी को इसने भगाया था और अपने साथ रख रखा है लिव इन रिलेशन में। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें वॉइस ऑफ प्रतिज्ञा।